पैन कार्ड कुछ सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है और अगर किसी वजह से आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो ऐसा केवल 10 मिनट में किया जा सकता है। आपको अप्लाई करने के बाद कई दिनों तक अपने पैन नंबर के लिए इंतजार नहीं करना होगा और घर बैठे 10 मिनट के अंदर आप खुद ही ई पैन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ई पैन बनवाने के लिए यूजर्स को आधार नंबर की मदद लेनी होती है और ये भी रेगुलर पैन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड की मदद से ई पैन बनवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करके और incometax.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद नीचे बाईं ओर दिख रहे ई पैन विकल्प पर क्लिक या टैप करें। नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको गेट न्यू ई पैन का चुनाव करना है। अब आपको 12 अंकों का अपना आधार नंबर एंटर करना होगा और नीचे दिख रहे आई कन्फर्म दैम के सामने दिए गए चेक बॉक्स को चेक करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP एंटर करना होगा। अब ईमेल आईडी डालें और पैन कार्ड के लिए मांगी गई बाकी जानकारी भर दें। ये फॉर्म भरने के बाद कुछ देर में आपको पैन नंबर मिल जाएगा। बता दें, ई पैन नंबर का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा सकता है जैसे रेगुलर पैन का किया जाता है। इस तरह ई पैन जनरेट करने के बाद वेबसाइट से चेक स्टेटस या फिर /download pan पर क्लिक करके आप PDF फाइल के तौर पर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको चाहे कोई गैर सरकारी काम करवाना है या फिर सरकारी काम, तो आपको इन कामों के लिए कई तरह के दस्तावेज चाहिए होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं होते तो फिर आपके काम तक अटक जाते हैं। आधार कार्ड के अलावा ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनमें से एक दस्तावेज आपका पैन कार्ड भी होता है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जारी किया जाता है। वही पैन कार्ड बनवाने के कई अपने फायदे हैं जिससे आपके कई काम हो जाते हैं, पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके कई काम अटक भी सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के क्या फायदे हैं। आपको बता दें कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको लोन मिलेगा या नहीं ये सब आपके सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। वहीं इसे जांचने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। पैन कार्ड का एक और फायदा है कि जिसमें आप इसकी मदद से ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने लोन चल रहे हैं। आपके चेक करके ये भी जान सकते हैं कि कहीं किसी ने आपके नाम पर गलत तरीके से लोन तो नहीं लिया है। आपके ये चेक करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड की जरूरत आपको बैंक खाता खुलवाते वक्त भी पड़ती है। अगर आपके पास ये है तो आपका खाता खुल सकता है। इसके अलावा आपको 50,000 रुपये से ज्यादा के लेन देन के लिए भी पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन कार्ड के जरिए आप जान सकते हैं कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं, आपने टैक्स भरा है या नहीं। और तो और, आपको पैन कार्ड की जरूरत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी पड़ती है। साथ ही आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 अंक का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। ये टैक्स उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। पैन एक लिमिटेड कार्ड के रूप में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आवेदन करने पर या जिस कंपनी या फिर व्यक्ति को वह देना चाहता है उसे जारी कर देता है। VideoDesk.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।